सभी नए हैं, ये ना सोचे कि हम पहली बार, कोई पहली बार भी कर रहा है उसके लिए भी बिल्कुल, जो स्क्रैच से शुरू करते हैं उनके लिए भी यही बातें बताई जाएंगी। जो आप आज से भी शुरू कर देंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे थोड़े दिन में। तो मैं चाहूंगा कि अपने जो इंस्पेक्टर हैं साइबर क्राइम के, ये पहले बोलेंगे या जय प्रकाश जो अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो तैयार किया है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ भी बताइए कि किस तरह के। जय प्रकाश जी सर, हाँ, जो आपने अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया उस पर आप प्रकाश डालिए, किस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं पहली बार, कौन कौन से अपराध है, क्या मॉडस ऑपरेंड आई है, किस तरीके से वो करते हैं, तरीका क्या है। तीसरा, क्या क्यों जल्दी किया जाना आवश्यक है, अगर उसमें विलंब करेंगे रजिस्ट्रेशन में तो उससे क्या गलतियाँ हो सकती हैं, फिर आगे उस केस को सॉल्व करने में क्या परेशानियाँ आएंगी। फिर चौथे नंबर पर मैं चाहूँगा कि ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं देश के जहाँ पर अलग अलग ये साइबर जो फ्रॉड के हब्स हैं ये जो बन रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी देंगे। और जिसको भी कोई प्रश्न पूछना है बीच में प्रश्न भी हाथ उठा के पूछ सकता है, और उसके बाद में फिर मौका मिलेगा ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का, अगर आप कोई अपनी समस्याएं बताना चाहेंगे तो इसको आप बता सकते हैं। तो आप ये शुरू कीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, उसके बाद में जब आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, इस बीच हमारे पास एक साइबर एक्सपर्ट जो बरेली इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ेंगे, वो इसमें साइबर एक्सपर्ट है और बोर्ड में एटलीस्ट है इसमें अपना साइबर क्राइम, तो वो 5 से 10 मिनट आपको बताएंगे एक आउटसाइडर का क्या व्यू है और किस तरीके से जो पेचीदा मामले उनको भी हल किया जा सकता है। ठीक है, तो ओवर टू जयप्रकाश। इसमें जो फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरीके से हम लेन देन करते हैं अपने पैसों का, चाहे डेबिट कार्ड का हो गया, चाहे यूपीआई पिन हो गया, या फिर किसी के अकाउंट में पैसे डालते हैं नाम, भी कर लेंगे डायरेक्टली, कोई पीड़ित आता है तो उसके काम कैसे करना है। सबसे पहले तो उसको तुरंत 1930 पे कॉल करवानी है और फिर उससे उसका एटीएम स्टेटमेंट, पासबुक की कॉपी जो भी उपलब्ध हो उसे लेना है। पासबुक या फिर स्टेटमेंट में एटीएम WDL लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका पैसे जो है एटीएम से विथड्रॉल हुए थे। अब एटीएम से विथड्रॉल हुए में दो कंडीशन आ जाती है, क्या एटीएम पीड़ित के पास है या पीड़ित के पास नहीं है। यदि पीड़ित के पास है एटीएम और फिर भी पैसे निकले तो इसका मतलब उसके साथ एटीएम क्लोनी की घटना हुई है, तो इस कंडीशन में उसको अपने नजदीकी जो भी एटीएम है वहां से ट्रांजैक्शन एक स्लिप निकाल ले या फिर कुछ ट्रांजैक्शन कर ले, उससे ये क्लियर हो जाता है कि पीड़ित यहाँ पे वर्तमान में मौजूद है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीरेंद्र, जो प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज।